गुजरात में 9 नवंबर से एमएसपी पर मूंगफली की खरीद हो रही है। हालांकि 39,374 किसानों में से सिर्फ 3,602 किसानों ने, यानी कि लगभग 9% किसानों ने ही अपनी उपज मंडी में लेकर पहुंचे हैं। इतनी कम संख्या में किसानों के एमएसपी पर फसल बेचने के पीछे का कारण बताते हुए गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने खुले बाजार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को वहां अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए वे पैदावार को मंडी में लाने की जगह खुले बाजार में बेच रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच केवल 3,602 किसान ही अपनी 6,916 मैट्रिक टन उपज बेचने के लिए मंडी में आए थे, जिसकी कीमत 38.39 करोड़ रुपए थी। राज्य सरकार ने एमएसपी पर पैदावार बेचने के लिए रजिस्टर्ड 2,65,558 किसानों में से 39,374 किसानों को मंडी आने के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे थे। गुजरात के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा है कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों को इस साल मूंगफली की रिकॉर्ड कीमत मिल रही है। जामनगर मंडी में 20 किलो मूंगफली 1600 रुपये यानी कि 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी। इसी तरह 20 किलोग्राम कपास 1700 रुपये में बिका। किसानों को इतने ऊंचे दाम पहले कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा है कि सरकार 150 केंद्रों से मूंगफली की खरीद कर रही है। खुले बाजार में किसानों को ऊंचे दाम मिल रहे हैं। वे लेन देन के लिए नकद प्राप्त करने में सक्षम हैं और कम संख्या में किसान एमएसपी के अनुसार मूंगफली बेचने के लिए मंडी में आ रहे हैं। सरकार ने इस साल प्रति 20 किलोग्राम मूंगफली के लिए 1110 रुपए की एमएसपी घोषित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।